अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं लाहौर गया हुआ था शॉप के सामान खरीदने के लिए। मतलब आपको मत सिखा। अभी सुबह 5 से 11 बजे तक का टाइम था, सुबह 5 बजे पहुंचे हम। बहुत ज़्यादा थक गए थे टांगों में और पाँव इतने ज़्यादा फूल गए थे जैसे लेडीज़ के फूले होते हैं। समझ रहे हो आप। बहरहाल अभी मैं उठाऊँ, फ्रेश होता हूँ और उसके बाद शॉप पे जाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे, सेटिंग वगैरह हो जाए कि नहीं। निकल तो जी, फ्रेश होके मैं आ गया हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत थका हुआ था। जब इंसान थका हुआ होता है ना और उसको कोई ऐसी चीज़ उसकी फेवरेट मिल जाए तो उसकी सारी थकावट जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी मैं तकरीबन 12 का टाइम है, मैं उठाऊँ और फ्रेश होके आऊँ तो अम्मी ने जो है मेरे नाश्ता जो बनाया है ना वो देखें आप। अम्मी ने जो है मेरे लिए हलवा पूरी बनाई है और जो कि मेरी फेवरेट है, तो इसको देख के जो है मेरी सारी थकावट ख़त्म हो गई है। मतलब माँ को पता होता है कि बच्चे की क्या सिचुएशन है और उसको जो है ना क्या चीज़ खिलाएं हो तो वो अच्छा हो जाता है। तो हलवा पूरी बनाई है, बिल्कुल जो है होममेड हलवा पूरी है, ट्राई करते। अम्मी जो है मेरी बहुत अच्छी शेफ़ है। ज़बरदस्त, बिल्कुल बाजार जैसी हलवा पूरी है और हेल्दी हलवा पूरी है। देखिए ओह माय गॉड, वाओ, हलवा भी बनाया हुआ है, हलवा भी ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त है, नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो जी अब शॉप की तरफ जा रहा हूँ मैं। माल तो मेरा ख्याल है भाई ने खोल दिया होगा, तो मैं वैसे ही हाजिरी लगवाने जा रहा हूँ। देखते हैं और सेटिंग वगैरह भी करते हैं क्या क्या आया। माल जो है वो बोरे में आता है, वो खोल दिया होगा, बाकी अब मज़ीद देखते हैं। तो जी दुकान में आ चुके हैं और माल वगैरह आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा जो है ना माल बिखरा पड़ा है अभी, और उसका करना है कोई सेटिंग अभी, उसकी जो है सेटिंग करेंगे। माल तो भाई ने खोल लिया सारा, और बाकी इसमें थोड़ा बहुत जो है ना प्राइस वगैरह लगानी होती है वो लगाएंगे और उसकी फिर सेटिंग करेंगे। तो जी रेट शेड लगा लिए हैं और अब बस कस्टमर को बेचेंगे। रेट जो है हम कोड वर्ड में लगाते हैं ताकि किसी को समझ ना आए, सिर्फ हमें यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और बाकी अभी कुछ सेटिंग जो है वो रहती है, वो भाई कर रहे हैं। और आप मुझे गैस करके बताएं कि ये मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं। शक्ल चेक कराओ आप लोग गैस करें कि बड़े हैं कि छोटे हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि ये जो है बड़े भाई हैं, लेकिन लगता सब मैं बड़ा हूँ, बाकी ये बस है। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। माल की फिनिशिंग करते हैं फिर बाकी आज के दिन में जो कुछ करना है वो भी दिखाएंगे आपको। जॉब पे काम करने के बाद फिर बाइक को वॉश भी करवाना था, तो उसके लिए इसको मैं PSO पंप के एक वॉश एरिया है वो बहुत अच्छा है वहाँ से करवाई है। बाकी अब्बू के साथ था मैं तो इसको वॉश करवाया और फिर वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। बाकी पंप देख के मुझे बताएं ये कौन सा पंप है, इससे आपको कोई व्लॉगर याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा, ये वही पंप है जहाँ पर हसन हमीद जो है वो जॉब करते थे और यहीं से वो वायरल हुए हैं। और थोड़ा सा आउटिंग कर रहे थे शेख भाई के साथ, तो अचानक पन्नू बीफ पुलाव की जो है ना शॉप हमारे यहाँ पे है, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे ही टेस्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था रमज़ान शरीफ में ओपन हुई थी और कभी इतना खास टेस्ट नहीं किया था उस वक्त, आपको पता है। तो अभी शेख भाई के साथ आए थे थोड़ा आउटिंग पे, तो मैंने कहा लिटिल बिट जो है ना इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सीन ही है। तो बड़ी हैवी कोटिंग है जो है ना मटन की, सॉरी बीफ की, ट्राई करते हैं। ओए 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 ओए, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया।
एक डायलॉग मुशर पुत्र मजा ही आ गया, ये वो वाला सीन है जबरदस्त। शेख साहब कैसे हैं? ऑसम, मजेदार। मैं कहता हूँ चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मजा नहीं आ गया? मजा आ गया, लगता और मंगानी पड़ेगी। सुबह के बाद मैं ऐसे ही घर में पड़ा था तो शेख साहब आ गए हैं, वो कहते हैं चलें वॉक पे चलते हैं, आप काफ़ी मोटे हो गए। तो वॉक करके फिर हमारा प्लान बना आइसक्रीम का, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वॉक करके फिर मीठा खाना है तो वॉक कैसी हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शेख भाई ये क्या सीन है? बस ऑफर मिली तो हमने एक्सेप्ट कर ली। मुबशर भाई आइसक्रीम खिला रहे हैं आज, हमने शवारमा खिलाया था आज मुबशर भाई आइसक्रीम। असल में एक मेरी शॉर्ट थी जिसमें मैंने कहा था कि शेख साहब जो है ना वो शवारमा खिला रहे हैं, तो आज उनने वसूली की है। अभी हम कपड़ी सिटी की सबसे मशहूर शॉप है आइसक्रीम की, जो कि होम मेड है या उनकी खुद मेड शॉप आइसक्रीम है, जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट है। अभी आइसक्रीम आ जाएगी और इसको जो है खाने के बाद मेरा ऐसा मज़ा आता है ना, बंदे का दिल से निकल दे के वाह। ऐसे ही है, देखते हैं आप। शुक्रिया भाई। आ गए शेख साहब, खा के बताएं। बहुत अच्छी है, आगे दिखाए ना। पचास रुपये का आउट और इसकी ओवर एक्टिंग। ठीक है जी, आज यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, बाकी ऐसे ही आते रहेंगे। आप कोशिश कर रहा हूँ मैं कि व्लॉग डालूँ और ऐसे ही अपनी सपोर्ट दिखाते रहें और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। निकल